गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आप 11th का चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो हमने चेन और पोजिशनल आइसोमेरिज्म की बात कर ली थी, लेकिन कुछ एग्जांपल्स हमें उसके बताने रह गए थे। किस तरह से एग्जांपल्स की बात करेंगे हम, किसके एग्जांपल्स की बात करेंगे, एग्जांपल्स ऑफ पोजिशनल एंड चेन आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल्स ऑफ पोजिशनल एंड चेन आइसोमेरिज्म। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब आपने चेन और पोजिशनल आइसोमेरिज्म के बारे में कुछ पढ़ लिया होगा, तो आप एग्जाम्पल भी पहचानने में कैपेबल हो गए होंगे कि वो किसका एग्जाम्पल है। जैसे कि कंपाउंड ही दे रखा आपको, अगर आप इन तीनों कंपाउंड को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि तीनों कंपाउंड को देखने के बाद कि ये तीनों कंपाउंड में ब्रोमीन की पोजीशन सेम है, लेकिन इस वाले ब्रोमीन की पोजीशन बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मॉलिकुलर फॉर्मूला तीनों का क्या है, सेम है, तो पोजीशन चेंज हो रही है, तो ये तीनों एक दूसरे के क्या है, पोजिशनल आइसोमर्स। इन तीनों को भी आप देखेंगे तो ब्रोमीन की पोजीशन क्या हो रही है, इस वाले ब्रोमीन की पोजीशन बार बार चेंज हो रही है, तो ये भी एक दूसरे के क्या है, पोजिशनल आइसोमर्स। लेकिन अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, कुछ एग्जांपल्स आपको अगर देखने, जैसे कि दे रखा है, दोनों एग्जांपल्स को अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग, दोनों में कितने मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग है, मतलब वैसे रिंग नहीं है, मतलब स्ट्रेट चेन एक तरह से। और आप अगर पॉइंट देखना चाहें तो मतलब 5 कितने भी जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन हो 7 आ रही है दोनों में, सर 7 है, इसमें भी जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन हो कितने, 7। लेकिन जो पॉइंट मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये एक दूसरे के क्या है, तो आप तुरंत मुझसे कहेंगे सर देखो यहाँ पे डबल बॉन्डिंग पोजीशन सेम है, यहाँ पे डबल बॉन्डिंग पोजीशन क्या है, सेम, लेकिन इस डबल बॉन्डिंग पोजीशन यहाँ पे क्या होगी, चेंज पहले ही यहाँ पे, तब कहाँ गए यहाँ पे, सीधी बात कौन सा आइसोमर है, पोजीशन। लेकिन ये पोजिशनल आइसोमर्स नहीं होते, मैं इस पॉइंट को आपके भी क्या कर दूंगा, नेगलेक्ट कर दूंगा, क्यों, जीरो नंबर मिलेंगे आपको इस वजह से, क्यों, अगर आप इसकी बात करते तो 1 2 3 4 5 अगर आप आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं तो पहले आपको नॉमेनक्लेचर आना जरूरी है, तभी आप आइसोमेरिज्म को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो पहले आप नॉमेनक्लेचर पढ़ लें, फिर आप आइसोमेरिज्म पढ़ें। ये टॉपिक आप तभी पढ़ें जब आपके आयुपैक नॉमेनक्लेचर के सभी वीडियो क्लियर हो चुके हैं, क्योंकि आपको तभी चीज समझ में आएगी, ज्यादा बेटर। अगर हम इन दोनों की बात करते हैं तो इन दोनों को ध्यान से देखने पर एक बात पता चल रही है कि इसमें जो लॉन्गेस्ट चेन है वो कितने कार्बन की, 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, इसमें कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, 4 कार्बन। क्या आप कहेंगे सर लॉन्गेस्ट चेन तो और भी ज्यादा कार्बन की हो सकती है, लेकिन उन बच्चों को चीजें क्लियर हो चुकी होगी जिन्होंने आयुपैक नॉमेनक्लेचर जो है पूरे दिमाग से पढ़ा है और हर एक पॉइंट उनके माइंड में क्लियर है, तो आपको पता चल गया होगा कि जो डबल बॉन्ड ऑफ नंबरिंग वहीं से करते हैं, डबल बॉन्ड का लॉन्गेस्ट चेन में होना जरूरी है। तो हमने दोनों ही लॉन्गेस्ट चेन में लिए हैं, दोनों डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड भी किस में लिया है, लॉन्गेस्ट चेन में लिया है, तो ये दूसरे के क्या है, चेन आइसोमर्स, ना कि पोजीशन। दूसरी अगर हम बात करते हैं, जैसे कंपाउंड दे रखा है,
अगर मैं नंबरिंग कर रहा हूँ तो एक चीज आप समझ गए होंगे कि एक दूसरे के कैसे आइसोमर्स हैं। अगर नहीं समझे तो मैं बता देता हूँ। अब भी आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी कि सर इसमें लॉन्ग चेन कितनी कार्बन की है, मतलब इसमें क्या है। इस वाले कंपाउंड की अगर मैं बात करता हूँ तो डबल बॉन्ड की पोजीशन ये है, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई, यानी कि एक दूसरे क्या है पोजिशनल आइसोमर्स। लेकिन नहीं, इसमें कोई चेन वाला चक्कर आएगा, सब फोर मेंबर की लॉन्गेस्ट चेन है, फोर कार्बन की, इसमें कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, फाइव कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, इसमें कितने की है सिक्स कार्बन। तो ये एक दूसरे के क्या है चेन आइसोमर्स। तो इस चीज को भी आप नोट डाउन करें कि एक दूसरे के क्या है चेन आइसोमर्स। और एग्जांपल लेते हैं, इन दोनों कंपाउंड का आप कहेंगे सर ये तो करेक्ट है भी, ये तो क्या है पोजीशन आइसोमर्स। मैं भी कह दूंगा हाँ सर, मतलब कि लग तो मुझे ऐसा ही लगा क्योंकि ये दूसरे क्या है पोजीशन आइसोमर्स। तो यहाँ पे सीओएच की पोजीशन क्या है फर्स्ट, यहाँ पे भी क्या है फर्स्ट, लेकिन यहाँ पे क्या हो गई है यहाँ पर अलग पोजीशन है, मतलब कि अलग पोजीशन पे सीओएच यहाँ पे क्या है, तो पोजीशन आइसोमर्स हो गए। लेकिन नहीं, ये भी एक दूसरे की क्या चेन आइसोमर्स। अब आप कह सकते हो आपको पता हो तो जो भी कोई ग्रुप ऐसा दे रखा है जो मोनोवैलेंट है, अब ये मोनोवैलेंट का मतलब क्या होता है, मोनोवैलेंट का मतलब होता है जो एक सिरे से जुड़ा हुआ, जैसे कि सी ओ एच हो गया, एक ही तो बॉन्ड बनाएगा किसी भी कार्बन चेन साथ, सी एच हो गया, या आपने क्या ले लिया सी एल ले लिया, या एन सी ले लिया, या क्या ले लिया क्लोरीन ले लिया, ब्रोमीन ले लिया, ये सभी क्या होते हैं मोनोवैलेंट। लेकिन अगर आपसे कहा जाने लगे, अगर आपके माइंड में एक चीज आने लगे, कौन सी चीज आपके माइंड में आने लगे, किस कीटो, जो कीटोन ग्रुप होता है वो मोनोवैलेंट नहीं होता, वो कैसा होता है डाइवैलेंट, क्योंकि वो दो साइड से अटैच हो सकता है, ये सिर्फ हमेशा किससे अटैच होंगे, कार्बन से अटैच होंगे, तो ये कैसे होते हैं मोनोवैलेंट। कोई भी ऐसा मोनोवैलेंट ग्रुप जिसके पास कार्बन है और वो उसका अगर पोजीशन चेंज होती है, उसकी अगर पोजीशन चेंज होती है तो वो कभी भी क्या नहीं बनाएगा पोजीशन आइसोमर्स नहीं बनाएगा, हमेशा क्या बनाएगा चेन आइसोमर्स बनाएगा, क्योंकि उसका किसके अंदर होना जरूरी है लॉन्गेस्ट चेन के अंदर होना जरूरी है। तो इसमें कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है फाइव, इसमें कितने की फोर कार्बन। और एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये पर चल गया होगा वन टू थ्री फोर, फोर कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। इसकी बात करते हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। तो ये दोनों क्या है एक दूसरे के चेन आइसोमर्स निकलेंगे। ये भी कौन से आइसोमर्स हैं, चेन आइसोमर्स। तो ये मैंने एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताने की कोशिश की है कि इसमें भी कौन सा चेन आइसोमर्स हो सकता है, कौन सा पोजिशनल आइसोमर्स हो सकता है ना। नेक्स्ट वन की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट वन की बात करेंगे हम फंक्शनल आइसो मैरिज, फंक्शनल आइसोमैरिज की बात करते हैं। फंक्शनल आइसोमैरिज आपको तब पता चलेगी जब आपने फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ लिया होगा। तो मैंने फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया जीओसी में, तो जीओसी के वीडियोज भी आपने वॉच कर लिए होंगे। अगर नहीं करें तो पहले जीओसी सभी वीडियोज वॉच करें, फिर आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और कौन सा नहीं है भाई। तो नेक्स्ट वन की अगर हम बात करते हैं, अब
अब हम बात करेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। मैंने बताया था ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप्स चल रहे हैं, तो उसी में बात कर रहे हैं किसके बारे में, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। जब हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे तो सीधी सी बात है, दोज कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। दीज आर कॉल्ड एज फंक्शनल आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेना नोन एज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। जैसे नोट डाउन करिए, फिर मैं बताता हूं कौन सा फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगा, कौन सा तो इसमें अगर हम बात करते हैं, आपने नोट डाउन कर दिया होगा, जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाह रहा हूं, जैसे एल्कीन, तो एल्कीन का कोई भी फंक्शनल आइसोमर्स नहीं हो सकता। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है ये आपको पता ही, एल्कीन जनरल फॉर्मूला, यानी कोई और कंपाउंड ऐसा नहीं हो सकता जिसका जनरल फॉर्मूला क्या हो, CnH2n+2, वो सिर्फ किसका होगा, एल्कीन का। अब बात करते हैं एल्कीन, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता, CnH2, ठीक है। अब एल्कीन भी ऐसे हो सकते हैं इस जनरल फॉर्मूले वाले, और साइक्लो एल्कीन का भी जनरल फॉर्मूला यही है। और जैसे आपसे कहा जाए CH3CH, और एक ले लिया आपने, तो आप देख रहे हैं एल्कीन दे रखा और एक क्या दे रखा, साइक्लो एल्कीन्स। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, C3H6, इसका भी कितना है C3H6, लेकिन दोनों के स्ट्रक्चर क्या है, अलग है। तो एक दूसरे के क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में कौन से टाइप में, फंक्शनल आइसोमर्स। एक और टाइप में पढ़ेंगे आप इसे रिंग चेन में, वो मैं आप बाद में डिस्कस करूंगा। और उसके बाद एल्काइन, एल्काइन जनरल फॉर्मूला क्या होता, CnH2n-2। तो इस जनरल फॉर्मूले के बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के, जैसे कि इससे क्या हो सकता है, एल्काइन हो सकता है, साइक्लो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला भाई सब यही है, ठीक है। डाइईन्स, डाइईन्स का मतलब क्या है, एक ही कंपाउंड के अंदर दो डबल बॉन्ड, तो उसका जनरल फॉर्मूला भाई सब यही है। फिर क्या है, स्पाइरो कंपाउंड, उनका भी जनरल फॉर्मूला यही है। स्पायरो कंपाउंड आपको मैंने बता दिए नॉर्मल क्लिचर में। बाईसाइक्लो कंपाउंड, उनका भी जनरल फॉर्मूला यही।
तो इन सभी एग्जांपल्स को लेकर के मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि भाई किस तरह से एक एग्जांपल लेकर के आप इन सभी चीजों को क्लियर कर सकते हैं। पहले आप इसे नोट डाउन कीजिए। जैसे एक एग्जाम्पल आपने लिया, यहां पर मैंने आपको डीवी निकालना सिखाया था, उसकी बहुत जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो डीवी से पता चल जाता है कंपाउंड करके कितने डबल बॉन्ड है, कितनी साइक्लिक रिंग्स है, वो मैं आपको बताया था किस तरह से पता चलता है। और जैसे कंपाउंड दे रखा है इसके अंदर कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। अब एक चीज आप देख रहे हैं जो बाईसाइक्लो और स्पायरो कंपाउंड है उनके लिए एटलीस्ट 5 कार्बन तो चाहिए ही चाहिए, मतलब जैसे बाईसाइक्लो के लिए कम से कम 5 कार्बन चाहिए, सॉरी स्पायरो के लिए बाईसाइक्लो के लिए कम से कम 4 कार्बन हमें चाहिए चाहिए, ये कंपाउंड होगा तो हो सकता है। इसलिए मैंने ऐसा एग्जाम्पल लिया जिसमें सभी आ रहे हैं। अब जैसे एग्जाम्पल किसका होगा, एल्काइन का CH2CH2 और अगर आपने एग्जांपल ले रखा है इसकी भी क्या आएगा C5H8, ये मोस्ट कंपाउंड होगा स्पाइरल। बाईसाइक्लो की अगर हम बात करते हैं उसके अंदर भी कितनी कार्बन होनी चाहिए, 5 कार्बन होनी चाहिए। ये एग्जांपल हो जाए। और डाइंस का एग्जांपल ले ली, साइक्लो एल्किन्स की हम बात करते हैं, इन सभी का अगर आप फॉर्मूला निकालेंगे सभी का फॉर्मूला क्या आएगा, C5H। ये सभी एक दूसरे के क्या है, स्ट्रक्चर सभी के अलग अलग है और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स स्ट्रक्चरल में कौन से टाइप के हैं, फंक्शनल आइसोमर्स। नेक्स्ट वन पे आते हो, जैसे कंपाउंड आउट दे दिया CH3CH2OH। देखो क्वेश्चन में दोनों तरफ से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन एक तो आ सकता है कि भाई इस मॉलिक्यूलर मतलब इस जनरल फॉर्मूले से कौन कौन से स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन सकते, जैसे स्पायरो बन सकता था, बाईसाइक्लो आपने पढ़ा था, डाइंस पढ़ी थी, साइक्लो एल्किन्स पढ़ी थी या आपने एल्काइन्स पढ़े थे। क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है कि भाई इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, यानी एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। तो आप कैसे कर सकते हैं, आप सबसे छोटी स्पीसीज ले लो एल्कोहल, ये होती है मीथेनॉल, सबसे छोटे मतलब सबसे कम कार्बन इसके अंदर एक है, इससे भी कम कार्बन हो नहीं सकते एल्कोहल के केस में। तो आप ऐसे कैसे करेंगे, इसमें कितनी कार्बन है, 1, कितने हाइड्रोजन है इसके अंदर, 4, और ऑक्सीजन कितने हैं, 0। तो अगर मैं इसे NCNH2N+ में 2 और क्या ले लूं, आप पहले कैसे ले लिया सर, हमने आपने बताया क्या चक्कर फंस गया इसका, वो सुनो। अगर आप इसमें एक कार एन की जगह पे 1 रखते तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, 1, ये क्या आ जाएगा, 2, और ये क्या है, 4। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, CH4, ठीक है। इससे मतलब ये है कि अगर एक कार्बन है, एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, तो उसका फॉर्मूला क्या आ रहा, उस एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा, CH4O, और वो ही एक्चुअल आ भी रहा कि अगर किसी भी एल्कोहल के अंदर एक कार्बन है तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CH4O, ठीक है। इसे थोड़ा सा और डिटेल में जाने के लिए, जैसे कि मैंने ऊपर वाला एग्जांपल लिया है, इससे मैं चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। अब ये तो है एल्कोहल,
और ये क्या हो गया ईट। इसका फॉर्मूला अगर मैं निकालूं तो जनरल फॉर्मूला आपको पता चल गया होगा, ये कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला है। इसके दो कंपाउंड हो सकते हैं ईथर और एल्कोहल, यानी कि ईथर की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, एल्कोहल की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, जिसका जनरल फॉर्मूला ये रहेगा। ठीक है, अब आते हैं इसको। ये एल्कोहल दे रखा है, क्या दे रखा है, ईथर दे रखा है। कैसे पता चला, दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है इसमें, C2H6O। इसका भी क्या आएगा, C2H6O। और दोनों ही किसको फॉलो कर रहे हैं, CnH2n प्लस में 2O। आप आंसर एक बार बता दो इसमें, देखो तो क्या है। एनर्जी पे क्या रखा, 2 को कितनी कार है उसके अंदर, 2। हाइड्रोजन कितनी आ जाएगी इसके अंदर, 6 2 2 4 प्लस में 2। और ऑक्सीजन कितनी है, तो आपने ये इस फॉर्मूले को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं जो फॉर्मूला मैंने इसका लिखा। तो इससे एक पॉइंट क्लियर हो गया कि एल्कोहल और ईथर जनरल फॉर्मूला यही होता है, और इस जनरल फॉर्मूले से ईथर और एल्कोहल ही बन सकते हैं। तो इसे नोट डाउन कीजिए, ये वाली बात आपको याद रखनी है कि इसे जनरल फॉर्मूला क्या है। अब बात करते हैं इसके जनरल फॉर्मूले का, C2H4। यही तो इसका मतलब क्या है, एक जो हाइड्रोजन है वो कार्बन की क्या है, डबल है, तो मैं लिख दिया। ठीक है, तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है एल्डिहाइड का, यही होता है। पर एक चीज आप इसे पूछ सकते हैं, सर चलो एल्डिहाइड का तो यही हो गया, क्या और भी कोई ऐसा कंपाउंड है जिसका जनरल फॉर्मूला यही होगा? तो इसे ऐसे लिख के देख लेते हैं, जैसे आपने एग्जांपल लिया CH3CH2CH2। इस कार्बन का इसका फॉर्मूला क्या है, C3H6O। और एक एग्जांपल लिया आपने कीटोन, इसका भी जनरल फॉर्मूला क्या है, C3H6O। तो इसका मतलब ये है कि कीटोन भी आपने लिख लिया, और ये फॉर्मूले इस वाले फॉर्मूले को फॉलो भी कर रहे हो। पर एक कीटोन का फॉर्मूला हो सकता है, एक और का फॉर्मूला हो सकता है, किसका हो सकता है, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं CH2CH2OH, कितने कार्बन इसके अंदर, 1 2 3, कितने हाइड्रोजन है, 2 और 3 और 2 5 और 1 6। तो यानी कि एल की प्लस में एल्कोहल, अगर किसी में एल्कीन और एल्कोहल दे रखा है तो उसका जनरल फॉर्मूला भी यही हो सकता है। ठीक, साइक्लिक एल्कोहल, साइक्लिक एल्कोहल का कैसे होगा, अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, इसमें कितनी कार्बन, इसका जनरल फॉर्मूला भी यही होगा, C3H6। करके देख लेना, साइक्लिक ईथर, आप आंसर इसका कैसे हो सकता है, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, 1 2 3, थ्री कार्बन, कितनी हाइड्रोजन, 2 2 4 और 2 6, और एक ऑक्सीजन, इसका फॉर्मूला भी क्या होगा, C3H6। तो एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कीन प्लस में एल्कोहल, साइक्लिक एल्कोहल, साइक्लिक ईथर, इन सभी का एग्जांपल, इनका सभी का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n। एल्कीन प्लस में ईथर, इसका भी यही आएगा, तो ये सभी इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, मतलब इस वाले फॉर्मूले को फॉलो करेंगे सब। इसका एग्जांपल मैं बता देता हूं, आप कहेंगे सर इसका एग्जांपल आपने बताया, ये एग्जांपल तो आपको अगर बता दिया कि कौन कौन से कंपाउंड, जैसे कि साइक्लिक एल्कोहल इसे फॉलो करता है, साइक्लिक ईथर इसे फॉलो करता है, एल्डिहाइड इसे फॉलो करता है, एल्कीन प्लस में एल्कोहल इसे फॉलो करता है, कीटोन इसे फॉलो करता है, और एल्कीन और ईथर, तो ये सभी के जनरल फॉर्मूला यही है।
और जैसे दे रखा है तो कैसे निकालेंगे इसका जनरल फॉर्मूला सी एन एच टू एन ओ करके देख लें। ये क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी फॉर्मूले को कौन फॉलो करता है ईस्टर्न फॉलो। इसमें इससे लिख दिया तो एग्जाम्पल हो जाएगा ईस्टर्न। दोनों फॉर्मूला क्या है सेम। ये इस फॉर्मूले को फॉलो करेगी कितनी हाई कार्बन इसमें अगर टू कार्बन है तो हाइड्रोजन कितनी है इसमें फोर यानी कार्बन से डबल क्या है हाइड्रोजन। तो मैंने ऐसे लिखा कितने ऑक्सीजन है हमेशा दो ऑक्सीजन होती है तो मैंने दो ऑक्सीजन लिख दिया ठीक है। अब है अमाइंस की अगर हम बात करते हैं सबसे सिंपल एग्जाम्पल है सी एच थ्री एन एच यानी कि अगर एक कार्बन है यानी सी एन है तो एच कितनी आ रही है टू एन प्लस में थ्री और नाइट। इसे फॉलो करके देख लो अगर आपने कार्बन दिया तो बन रखा तो हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी फाइव थ्री और टू फाइव और नाइट्रोजन कितनी रहेगी एक रहेगी ठीक। इसे कौन कौन फॉलो करते हैं प्राइमरी अमाइन इसे सेकेंडरी अमाइन फॉलो करता है इसे टर्शियरी अमाइन फॉलो। तो अब मैं ज्यादा ना बता करके आपको मैंने बहुत सी चीजें बताई हैं तो कुछ के फॉर्मूला आप खुद भी बना करके देख सकते हैं तो खुद भी फॉर्मूला बना करके देखे जैसे अमाइड का फॉर्मूला आप बना करके देखिए मुझे बताएं कि सर अमाइड का फॉर्मूला तो अमाइन हो गया अमाइड का फॉर्मूला क्या बनेगा वो मुझे आप बताइए कैसे बनेगा ठीक है ना। अब बात करते हैं जैसे कि कोई कंपाउंड दे रखा है NO2 OH तो ये भी एक दूसरे के क्या है फंक्शनल आइसोमर्स है। इसका नाम क्या होता है नाइट्रो इसका नाम क्या होता है नाइट्राइड ठीक है। अगर दूसरे की अगर हम बात करते जैसे एक दे रखा सी एन और एक क्या दे रखा एन सी इसका नाम क्या होता है साइनाइड इसका नाम क्या होता है आइसोसाइनाइड। ये भी एक दूसरे के क्या है फंक्शनल आइसोमर्स। इसके बारे में बता रहा पहले नोट डाउन करो ऊपर वाले दोनों कंपाउंड की बात करता हूं ये हो गया फिनोल और ये क्या हो गया एल्कोहल। तो फिनोल और एल्कोहल कैसे पहचानेंगे अगर OH ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच है तो उसे क्या कहते हैं फिनोल और अगर बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं तो उसे क्या कहते हैं एल्कोहल। ये भी एक दूसरे के क्या होते हैं आइसोमर्स ही होते हैं। ये एक जैसे कंपाउंड है इन दोनों का नेचर कैसा होता अलग होता है ठीक है। तो इन्हें नोट डाउन करो फिर है मेटामर्स। दो कंपाउंड्स है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट ड्यू टू द नंबर ऑफ कार्बन इन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ओनली अराइव इन डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। यह सिर्फ उसी में हो सकती है जहां पर डाइवेलेंट या ट्राइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होगा। अगर डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो ये आइसोमेरिक किसी भी कीमत पर नहीं होगी। ये पॉइंट आप अपने माइंड में रखें।
ठीक है ना। अभी डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ये सभी चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा एक एक करके। पहले आप इसे नोट डाउन कीजिए। बाईवेलेंट और ट्राईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप जैसे कि इसमें हो सकता दरिसाइड ऐसे ग्रुप हो सकती है, ऐसी ग्रुप हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे ग्रुप हो सकती है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, ईस्टर्न वाले ग्रुप हो सकते, इनमें ये हो सकती है मेटा मैन। अगर आपको ये दे रखा है SH तो नहीं होगी, OH नहीं होगी, क्योंकि ये कैसे होती है मोनो है। या आपको दे रखा है CH नहीं होगी, या आपको दे रखा है COH कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होगी, ठीक है ना। अगर आपको दे रखा है सल्फोनिक ग्रुप नहीं, जो मोनोवेलेंट उसमें नहीं होती, किसमें होती, बाईवेलेंट या ट्राईवेलेंट फंक्शनल ग्रुप में ही होती है। इनमें हो सकती है, इनमें नहीं हो सकती, होगी कैसे हो समझो मेटा में। तो समझ में आ गया, तो बाईवेलेंट ट्राईवेलेंट कौन से होते, बाईवेलेंट मतलब जो दो साइड से अटैच हो सकते हैं, ट्राईवेलेंट मतलब जो तीन साइड से अटैच हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसमें किसकी, कि किस तरह से आइसोमेरिज्म होगा। CH3CH2CH2CH2 फंक्शनल ग्रुप से दरी साइड कितनी कार्बन है, टू, इसमें भी कितनी है, एक मिनट बढ़ाते, OCH2CH2CH3CH3 वहां पे दो दो कार्बन थी, यहां पे कितनी होगी, वन और थ्री, तो एक दूसरे के क्या है, मेटामर्स। क्या है दूसरे के, मेटामर्स। इसे पहला मान लिया, इसे दूसरा मान लिया। एक और एग्जांपल लेते हैं बताने की कोशिश करता हूं। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड की बात करूं तो एक दूसरे के क्या थे, मेटामर्स। लेकिन अगर मैं सेकंड और थर्ड की बात करता हूं तो ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स। आप पहले सर क्यों, कैसे पता चला, देखो इसमें इधर की साइड वन कार्बन, इसमें इधर की साइड वन कार्बन। मेटामर्स में क्या होता है कि दोनों साइड जो कार्बन है, अगर इसमें दोनों साइड दो दो कार्बन, तो इसमें कार्बन क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। लेकिन इन दोनों को अगर हम ध्यान से देखें, इसमें इधर की साइड कितनी कार्बन है, इधर की साइड कितनी कार्बन है, और जैसे इधर की साइड थ्री, दोनों में तो कार्बन क्या होगी, एक जैसी होगी, तो इन्हें आप मेटामर्स नहीं कह सकते, ये एक दूसरे के क्या रहेंगे, पोजिशन आइसोमर्स रहेंगे। लेकिन अगर बात की जाए फर्स्ट और सेकेंड एक दूसरे के क्या है, मेटामर्स। और फर्स्ट और थर्ड भी एक दूसरे के क्या है, मेटामर्स। समझ में आ गया होगा आपको क्यों, क्योंकि इसमें इधर साइड कितने कार्बन है, टू, तो इसमें कितने वन, इधर साइड कितने टू, इसमें कितने थ्री। लेकिन सेकंड और थर्ड क्या है एक दूसरे के, पोजीशन चल क्या होगा, अगर मुझे एग्जांपल आपको दे रखा है CH3 तो एक दूसरे के क्या है, मेटामर्स। पता चल क्या होगा, इधर साइड कितने कार्बन है, थ्री, इधर साइड कितने, इधर साइड कितने कार्बन, दो और दो, इनको आप पोजीशन आइसोमर्स भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर कौन सी पोजीशन, सीओ की दो, और यहां पर किस कौन सी थर्ड। लेकिन हम किसको प्रेफरेंस ज्यादा देंगे,
मेटामर्स को पोजिशन, अगर हम मेटामर्स भी कह सकते हैं पोजिशन भी कह सकते हैं, लेकिन हम इसे मेटामर्स ही कहेंगे, पोजिशन नहीं कहेंगे, क्योंकि मेटामर्स को पोजिशन से ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। नेक्स्ट वन क्या मैं बात करूं, फर्स्ट लिख दिया, सेकंड लिख दिया, थर्ड लिख दिया, तो फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे के क्या है, मेटामर्स। सेकंड और थर्ड एक दूसरे के क्या है, चेन आइसोमर्स। मेटामर्स भी हो सकते हैं, पता चल ही रहा होगा मेटामर्स क्यों, प्रेफरेंस किसको ज्यादा देंगे आप, मेटावर्स, ठीक है ना, ये मेटावर्स हो सकते हैं, पोजीशन भी हो सकते हैं, लेकिन मेटावर्स को प्रेफरेंस ज्यादा देंगे। फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे के चेन आइसोमर्स, मेटावर्स तो हो ही नहीं सकते, क्यों नहीं हो सकते, इसमें इधर साइड कितनी कार्बन वन, इधर साइड कितनी कार्बन थ्री, इसमें कितनी कार्बन है वन, इसमें इधर साइड कितनी कार्बन थ्री, तो दोनों नंबर ऑफ कार्बन क्या है, सेम है आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो एक दूसरे के मेटामर्स नहीं हो सकते, लेकिन एक दूसरे के क्या है, चेन आइसोमर्स। आप कहीं चेन क्यों होंगे सर, क्योंकि इसमें किलोमर्स चेन कितने कार्बन के, 1 2 3 4, इसमें कितने की 1 2 3 4 5 5 किलोमर्स चेन, तो पता चल गया कि फर्स्ट और थ्री एक दूसरे के क्या है, चेन, ये चेन भी है और मेटामर्स है, लेकिन मेटामर्स को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। फर्स्ट और सेकंड की अगर हम बात करें तो एक दूसरे के मेटामर्स भी है और पोजिशन भी है, लेकिन हम उसे क्या देंगे, प्रेफरेंस मेटामर्स ज्यादा, ठीक है, मेटामर्स को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है कंपेयर टू पोजिशन और चेन। तो आपको जहां तक मेटामर्स समझ में आ गए होंगे, बहुत सी मैंने चीजें आपको क्लियर करने की कोशिश की है कि अगर रिंग के दोनों, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है उसके दोनों साइड में दो कंपाउंड के अंदर सेम नंबर ऑफ कार्बन बना रही है तो वो मेटामर्स नहीं बनाएंगे, वो कहीं ना कहीं क्या बना रहे होंगे, पोजिशन है चेन आइसोमर्स। अगर दोनों साइड अलग अलग कार्बन बना रही है तो एक दूसरे क्या बनाएंगे, मेटामर्स बनाएंगे। लेकिन ग्रुप होना कैसा चाहिए, डाइवेलेंट या ट्राइवेलेंट ग्रुप होना चाहिए। एक लास्ट में बता देता हूँ रिंग चेन, आप कहीं से उसमें टोटोवैलेंट तो रही है, पर टोटोवैलेंट के लिए अलग से वीडियो डाला जाएगा क्योंकि वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है और उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते भी हैं रिंग चेन आइसोमर। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन वन क्या रहेगा, रिंग, और वन क्या हो सकता है उसमें, यानी सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला की ही क्या रही, रिंग हो और एक क्या हो, चेन। आप आंसर वो तो आपने फंक्शनल आइसोमेरिज्म में बता दी, लेकिन ऐसे में आप उसे फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं कहेंगे, उसे आप रिंग चेन कहेंगे। रिंग चेन को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, सबसे ज्यादा किसको दी जाती है, रिंग चेन को प्रेफरेंस दी जाती है, फिर किसको दी जाती है, टोटोमर्स, फिर किसको दी जाती है, फंक्शनल, फिर किसे दी जाएगी, मेटामर्स, उसके बाद किसे दी जाएगी, पोजीशन, फिर दी जाएगी, सॉरी चेन को कम दी जाती है, चेन ज्यादा दी जाती है पोजीशन। तो जैसे ऐसा हो रहा होगा भाई, एक कंपाउंड के अंदर चेन आइस रिंग चेन और फंक्शनल दोनों आ रहे हो, तो आप किसको प्रेफरेंस देंगे, रिंग चेन कहेंगे उसे, ना कि फंक्शनल कहेंगे। मैंने एग्जाम्पल पहले बता दी इसका, जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसका फॉर्मूला क्या है, C3H, और यही कंपाउंड चेन में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C3H, यानी इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट, उन्हें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। स्ट्रक्चरल में भी कौन से, रिंग चेन, जैसे रिंग चेन क्यों कहेंगे हम, रिंग चेन को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है कंपेयर टू फंक्शनल, ये एक तरह का फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है ना, लेकिन इसे हम रिंग चेन कहेंगे, रिंग चेन को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है कंपेयर टू इसके फंक्शनल। अब एक एग्जांपल रह गया है, कौन सा, टोटो मैरिज रह गया है, मतलब कि एक टॉपिक रह गया है इसका, अगर वो आपको आ गया तो फिर ये वाली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो उस पर ध्यान दें, चीजों को समझें, और फिर मैं आपके साथ इसकी वर्कशीट भेजूँ, तो इसे कर लें आप अच्छी तरह से, ठीक है स्टूडेंट, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।
एक चीज और कि आप जितने भी आपके लिंक में है स्टूडेंट जो 11th क्लास में 12th क्लास में है उनसे आप कहने के वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को वॉच करें, उनको जरूर मेरे हिसाब से पसंद आएगी वीडियो, उनकी ऑर्गेनिक में बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो उनसे भी कहें आप जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या कर सके वॉच कर सकें।